रेडिकल, ये जितना फ्री दिख रहा है ना, ये इतना फ्री नहीं है, ये बहुत खतरनाक महाशय। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल का मतलब है ये, वही कार्बन की टेट्रावेलेंसी थी, कार्बन ने कह दिया भाई ऐसा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस दूसरे आदमी का ये इलेक्ट्रॉन मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो मेरा फ्री रेडिकल बनाऊंगा और खुश रहूंगा। बताओ ये फ्री रेडिकल की तरह यहाँ पर काम करेगा। अब ये फ्री रेडिकल मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से यहाँ पे कोई रिपल्शन विपल्शन नहीं लग रहा, तो क्या होगा, तीनों के तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे आ जाएंगे, और ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पर क्या मुझे एक बात बताइए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस बेचारे के पास में, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो फिर इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, यस न्यूट्रल होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और स्टेबिलिटी ऑर्डर जरा बताएं, क्या मैडम सेम एग्जांपल आपने कार्बन कैटायन में डाल दी, एनायन में डाल दी, फ्री रेडिकल में डाल दी, उस तरह से डाल दी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताओ, अरे इसकी तो बात ही अलग है ना, इसकी तो बात ही अलग है ना, तेरी तो बात ही अलग है, और बाकियों की जी हाँ, CH3 फ्री रेडिकल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा बेटा फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला क्यों, क्योंकि ये प्लस आई वाला ग्रुप है ना, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन है, बेचारे को 8 चाहिए, इधर से ये देने को रेडी, उधर से वो देने को रेडी, इधर से ये देने को रेडी, तीनों में कंफ्यूज हो रहा है ना खतरनाक, यहाँ से ये भी देने को रेडी, यहाँ से ये भी देने को रेडी है, यहाँ से ये भी देने को रेडी है, वो तो अकेला ही पड़ा है, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसे रोना पड़ा अकेला है। इसके साथ में कम से कम एक साथी तो है, इसके पास दो दो हैं, और ये तो अमीर आदमी, तीन तीन है, मस्त रहे तुम, तेरे को इलेक्ट्रॉन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं है ना, तू रो मत मैं हूँ, वैसा वाला है। और ये तो मोस्ट स्टेबल, ये तो इतना खतरनाक प्राणी है कि अरे क्या बात कर दी भाई, तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ले मेरा बॉन्ड ही ले ले, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कि ये वाला इसके पास पहुंच जाएगा और ये खुद जो है कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये CH2 आ गया। अच्छा ये कितना मतलब है ना नालायक है, ये बेशरम नालायक, देखे जा रहा है इन दोनों का कन्वर्सेशन, इसने इसको बोला, इसने इसने इसको बोला, मेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार वो यूं ऐसे ऐसे बोल रहा है। अच्छा देख अपन दोनों ने मिलके पाई बॉन्ड बना रखा है, हाँ यार बना दे, तो एक काम करते हैं ये वाला बॉन्ड उसको दे देते हैं, वो सुखी हो जाएगी, तो ठीक है दे दो, तो मेरे पर तो कोई फर्क, अरे तू तो बैठा रहे मस्त आराम से, तेरा कोई दिक्कत नहीं, तो ये इधर चला जाए, अब फिर ये वाला इसके कारण यार मेरे पे फिर रेडी चला गया, तो ये इसको बोल रहा है कि यार ये ऐसा बोल रहा है कि तुम रेडी चला गया, कोई बात नहीं है वाला बॉन्ड वापिस उसको दे दे, वापिस ऐसे चला दे। बताओ कहानी आई, मजा आया, बाकी इधर तो आश्वासन ही मिल रहा है, नहीं जरूरत पड़े तो ले लेना, देंगे नहीं देंगे पता नहीं है, पर उधर ले ले, भाई के पास बहुत पैसा है, तू रख, वो वाली स्थिति है ना, भले ही फिर भाई कंगला हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन वाला रह गया, ठीक है ना। तो कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, तीन तीन पढ़े ना अपन ने, कार्ब कैटायन, कार्बन आयन और कार्बन
फ्री रेडिकल। एक और इंटरमीडिएट बनता है बेटा, जिससे आज आप मुकालात करेंगे, जैसे जैसे कार्बीन है ना, कार्बीन। कार्बीन, कार्बीन, कार्बीन इंटरमीडिएट है ना। अब ये जो कार्बीन इंटरमीडिएट होता है ना, ये डाई एजो मीथेन, डाई एजो मीथेन, मीथेन का डाई एजो डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका? डाई एजो मीथेन। मीथेन मतलब कार्बन और चार हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन अगर हट जाए और एजो बॉन्ड यहाँ पर आ जाए तो डाई एजो मीथेन ये बन जाता है। अब डाई एजो मीथेन में इधर नाइट्रोजन और इधर कार्बन के बीच में अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, इधर भी अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो एन टू जो है ट्रिपल बॉन्ड बना करके ये तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर आपको कार्बिन क्या मिलेगा, इस तरीके से लोन पेयर वाला कार्बन जो होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन वाला फ्री रेडिकल या कार्बिन आपको इंटरमीडिएट मिलता है। ये ऐसे भी बनता है जो कीटीन होती है कीटोन की छोटी बहन ही है कीटीन है ना। तो ये जो कीटीन है, इस कीटीन के भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से क्या होता है, ये कार्बिन फ्री रेडिकल में और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाती है। तो इस तरीके से आपको कार्बिन इंटरमीडिएट फाउंड होते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में स्टेबल होता है क्योंकि कार्बन की जो वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को नहीं निकालना। कार्बिन अपने आप में ही एक इंटरमीडिएट होता है और इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। तो ये चार इंटरमीडिएट आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखने को मिले। आप लोगों को बात समझ में आई? यस चारों के चारों जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है कौन कौन? कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बिन। चारों के बारे में अच्छे से याद रहेगा, ध्यान रहेगा। अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे रिएक्शन में है ना, वो याद हो पहले वाले पन्ने पे है ना, फर्स्ट पेज जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो कब होगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे बाय बॉन्ड क्लीवेज और नए बॉन्ड बनेंगे, और पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो फ्री रेडिकल कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है और यही रिएक्शन के इंटरमीडिएट कहलाते हैं। अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ से बने हैं बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू, ये नया बॉन्ड बनाने के लिए उत्सुक है जी, नया बॉन्ड बनाने के लिए उमड़ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, अब हम स्टेबल हो गए, अब हम कहाँ जाकर के बॉन्ड बनाएं, बताओ 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 किधर अटैक करें, है ना। मतलब सेना तो तैयार हो गई, अब अटैक किधर करें, वो वैसी वाली कंडीशन हो गई ना। अब आपने हमको स्टेबल भी कर दिया, हम रिएक्शन के इंटरमीडिएट हैं, स्टेबल हम हैं, अब आप बताओ अब हम आगे क्या करें, यानी कि अब आगे अटैक करना है इनको। तो अब पढ़ेंगे क्या, अटैकिंग स्पीशीज है ना। ये जो बॉन्ड टूट गए इंटरमीडिएट बन गए ना, ये अंदर रिएक्शन में जाकर के अटैक करेंगे कहीं ना कहीं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो अटैक करने वाली जो स्पीशीज होती है ना, वो तीन तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोफाइल, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल और एक होते हैं फ्री रेडिकल। तीन ही तरीके के प्राणी पढ़े हैं अभी अपन ने, आ रहा है कुछ याद? इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग, हाँ। अब कोई भी प्राणी इलेक्ट्रॉन को कब लव करेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। हमें हम किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट तभी होते हैं जब हमारे पास उस चीज की कमी होती है ना। अब कमी है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है, प्रोटॉन की अधिकता है या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? एक एटम में तो ही तो तीन ही तो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन सॉरी। अब न्यूट्रॉन तो कैसा है, न्यूट्रल आदमी हो तो नहीं हो तो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से पड़ रहा है, बोलो पड़ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी तो प्रोटॉन की अधिकता है, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, जैसे कार्बोकेटायन हुआ, अमोनियम आयन हुआ, सोडियम आयन हुआ, या जितनी भी मेटल्स हुई, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ना, जितनी भी मेटल्स होती हैं सबके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जिनके ऑक्टेट या जिनका, जैसे BeCl2 देखो, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, दो है
है ना। और ये क्लोरीन के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोग 7 इलेक्ट्रॉन वाले क्लोरीन के साथ में मिलकर के ये बॉन्ड बनाता है। पर बेरिलियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग की है? ओनली 2 ना, एक इधर से और एक इधर। तो भी इसके जो ऑक्टेट है वो इसका पूरा हुआ के 4 इलेक्ट्रॉन रहे। तो ये कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर आल्सो बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? अकबर पे अटैक क्यों? अकबर पे अटैक कर रहा है क्या? अब तो कोई नया आएगा उसके ऊपर करेंगे अटैक। आएंगे कोई नए प्राणी उनपे करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स या जो भी होते हैं वो होते हैं। आया क्या? तो न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? ओनली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो बेचारे पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीशीज। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जितनी होती है ना, वो सारी की सारी किसकी तरह बिहेव करती हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उन पे बेचारों पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है तो उनको क्या चाहिए? प्लस चार्ज चाहिए, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है ना, कार्बोक्सिलेट आयन है ना, RCOO-। ये एक्चुअली ऐसा बनना चाहिए था, मैं इसको वापस बना देती हूँ। NO2- आयन, जितने भी माइनस चार्ज वाले दिख जाए ना, सब कौन है आपके? न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, शाबाश। और पॉजिटिव चार्ज वाले? हाँ, वेरी गुड। या फिर ऐसी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, लोन पेयर भी एक तरीके से नेगेटिव चार्ज का ही काम करता है। जैसे देखो ROR, NO3, RNO2, ये सब क्या है आपके? अमोनिया फमोनिया जितने भी होते हैं ना, जिनके ऊपर लोन पेयर होता है प्रेजेंट, ROR, NH3, ये NH2 वगैरह वगैरह, जितने एटसेट्रा का मतलब वगैरह वगैरह, जितने भी ये लोन पेयर वाले नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं सब कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे कौन होते हैं? आपके अटैकिंग स्पीशीज होती हैं। तो समझ में आ गई क्या बात?